ही ऑल डियर स्टूडेंट मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ ही इन बायोलॉजी टॉप टेक चैनल। तो ऑल डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डी फार्मा को जो राउंड फोर की चॉइस फिलिंग हुई थी उसको हम कैसे लॉक करेंगे, जो चॉइस फिलिंग कर लिए थे हम लोग तो उसको लॉक कैसे करेंगे जिससे हमें कॉलेज मिल जाए, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो राउंड फोर की काउंसलिंग जो है डी फार्मा की, उसकी चॉइस फिलिंग हो गई है, उसको लॉक करने की प्रोसेस जो है उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को gcup.nic.in सर्च करके gcup की जो मेन वेबसाइट है उस पर चले जाना है। देन उसके बाद वहाँ पर क्लिक करके जो है नीचे से जब ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे दिया रहेगा राउंड फोर चॉइस फिलिंग ऑफ जीकप हैज बीन स्टार्टेड करके ऐसे दिया है। तो आप लोग यहाँ पे जब आएंगे तो एप्लीकेशन नंबर फिल कीजिएगा, देन उसके बाद पासवर्ड अपना, और उसके बाद सिक्योरिटी पिन जो कि यहाँ पे देख लीजिए सेंसिटिव हो रहा है। देन उसके बाद जो है इतना सब फिल करने के बाद आप लोग को जो है साइन इन वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक कर देना है। इस पर अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आप लोग फॉरगेट पासवर्ड मारकर एक नया पासवर्ड जो है रीसेट जनरेट कर सकते हैं। तो जब हम साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या होता है। साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ओटीपी का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ओटीपी कहाँ पाना चाहते हैं, ईमेल आईडी पर कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, तो इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो हम जैसे इनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी पाना चाहते हैं तो हम मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद जो है सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर OTP फिल करने को कहेगा। आपकी जो मोबाइल नंबर रहेगा उस पर OTP चला गया तो यहाँ पे OTP वही फिल करना होगा, देन लॉगिन करना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ऑल डियर स्टूडेंट, जब आप लोग अपना OTP फिल कर देंगे तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। तो हमने जैसे यहाँ पे एक लोग का जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया है, तो यहाँ पर देख लीजिए मैनेज काउंसलिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है, मैनेज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, सीट एलोकेशन रिजल्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिया है, यहाँ पर व्यू डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिया है। देन उसके बाद जो रैंक एंड स्कोर कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया है। तो हम लोग को लॉक करना है जो हमने चॉइस फिलिंग की थी राउंड फोर के काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग की थी उसे क्या है लॉक करना है। तो हम लोग मैनेज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन हम लोग के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देख लीजिए ओपन हो गया है। तो हमने यहाँ पर एक बॉयज़ का जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया, तो इनके लिए टोटल डी फार्मा के 3 ही कॉलेज है जिसमें से 2 गवर्नमेंट है 1 एडेड कॉलेज है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने इनका टोटल फील्ड चॉइस 3 दिया है और चॉइस लॉकिंग स्टेटस जो है अभी अनलॉक दिखा रहा है, अभी तक मैंने इनका जो है लॉक नहीं किया है। तो हम चॉइस फिलिंग करके जो न्यू वाला ऑप्शन है इस पर हम जाएंगे, तो हमें चॉइस लॉक करना है। तो हम चॉइस लॉक करने के लिए जो है यहाँ पर देख लीजिए चॉइस लॉक चॉइस का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर आप जाएंगे तो लॉक कर देंगे। तो इससे पहले आप लोग से पासवर्ड मांगेगा, तो हम यहाँ पर इनका पासवर्ड फिल कर देते हैं। पासवर्ड फिल करने के बाद आप लोग को सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन उसके बाद जो है हम लोग के पास ऐसे कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने इनका टोटल जो 3 कॉलेज फिल किया है जिसमें से 2 गवर्नमेंट और 1 जो है प्राइवेट है। तो हम इनका जो है एडेड वाला ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हम इसको जो है एडेड कॉलेज को ऊपर कर दिए हैं। हम यहाँ पे इनका जो जनता पॉलिटेक्निक बुलंदशहर इसको सबसे फर्स्ट नंबर पर कर दिए हैं, सेकंड पर जौनपुर वाले कॉलेज को, थर्ड पर जो है लखीमपुर खीरी वाले कॉलेज को कर दिए हैं। अब हमें चॉइस लॉक करना है, तो चॉइस लॉक करने के लिए हम जो है लॉक चॉइस वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, देन उसके बाद जो है हम लोग के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने टोटल जो है 2 गवर्नमेंट 1 एडेड कॉलेज फिल किया है। अब आपको लॉक करना है, तो आप आई एग्री टू लॉक माई चॉइस इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम लोग के सामने फिर से पासवर्ड मांगेगा, देन हम पासवर्ड डाल देंगे और हमारी चॉइस फिलिंग की जो प्रोसेस है वह जो है कम्प्लीट हो जाएगी, मतलब लॉक हो जाएगी हमारी चॉइस। तो हम यहाँ पर देख लीजिए क्लिक कर दें, देन उसके बाद जो है एस लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो चॉइस फिलिंग लॉक करने की प्रोसेस है उसको कम्प्लीट कर दिए। तो यहाँ पर देख लीजिए अब चॉइस लॉकिंग स्टेटस जो है लॉक्ड दिखा रहा है, अभी तक क्या दे रहा था अनलॉक्ड। तो अगर आप लोग को कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट होगा चॉइस लॉक करने से, या फिर आप लोग का फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, तो आप लोग हमारे वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम आप लोग के डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कल हमने जो थंबनेल पे बनाया था कि कितनी गवर्नमेंट कॉलेज में डी फार्मा की सीट है, हमने उसको जो बताना भूल गया था। तो जो है हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जो जौनपुर का कॉलेज है, जो जौनपुर का डी फार्मा कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, उसमें जो है सीटें जो है 4-2 से लेके 4 ही सीटें जो है खाली होंगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक्स आर्मी ऑफिसर्स आए थे जो कि डी फार्मा के कोर्स करना चाहते थे,
बट उन्होंने कहा हम रेगुलर क्लास नहीं करना चाहते, तो सर ने मना कर दिया। सर ने बोला कि हमारे यहाँ कोई इस टाइप के सिस्टम्स नहीं हैं, आप लोग जा सकते हैं। तो वहाँ पे जो है दो से लेकर चार तक ही, दो या चार ही सीटें जो है वहाँ पे खाली होंगी। जो लखीमपुर का कॉलेज है वहाँ पे भी जो दो से लेकर तीन सीटें ही खाली हैं, और बाकी बुलंदशहर की हम बता नहीं सकते वहाँ पे कितनी सीट खाली, क्योंकि हम जब डाउनलोड करने जा रहे हैं कि कितनी सीट्स फिल हो गई हैं कितनी नहीं फिल हुई हैं अभी तक गवर्नमेंट कॉलेज में, एडेड कॉलेज में, तो वह PDF जो है डाउनलोड हो ही नहीं रहा, वहाँ पे जो ओपन ही नहीं हो रहा, जबकि पूरा GB डाटा जो है ख़त्म हो जा रहा है, ओपन नहीं हो रहा है। तो जितनी हमसे हेल्प हो पाई आप सभी की हमने की है। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।